शुभ्रा, अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो। ऐसी मजबूरी कभी किसी पर आने मत देना पापा। जो मैं करने जा रही हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। शुभ्रा, क्या स्लो मोशन में काम कर रही हो, जरा जल्दी करो ना। क्या किया तुमने ये? हाँ, शायद डोर कमजोर हो गई है इसलिए टूट गया। ढंग से एक काम नहीं हो पाता तुमसे, जोर से निकालोगी तो टूट ही जाएगा ना। समायरा पास में मार्केट है, वहां से नकली मंगलसूत्र लेकर आ जाएंगे, तुम अपसेट मत हो। इतनी अच्छी लग रही है, तुम बाहर चलते ना एक सेल्फी खींचते, हैशटैग ट्रेडिशनल वाइब्स। हाँ, और सुनो, तुम बच्चों को जल्दी से तैयार कर दो, वो मिस्टर राजदक्ष आने ही वाले होंगे। ओके, चलो 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 चलो। रो क्यों रही हूं मैं? ये मेरी हार नहीं है, मेरी जीत है। समायरा मेरे मंगलसूत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, उससे तो अच्छा यही है। अब ना रहा बांस और ना बचेगी सैम की बांसुरी। अब तक मैं अकेली पूजा करती थी, बरसों बाद आज किसी और ने मेरे घर में दिया जलाया। नहाने के बाद मैं अभी दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, बस फटाफट बर्तन धो लूँ। नाश्ता तैयार है और कल के बर्तन भी धो चुका हूँ मैं। क्या हुआ, आपको आपके बेटे की याद आ गई? बहू की याद आ गई। ला, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। आप सिर्फ रावण की हेल्प करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। आ, कुत्तेरी। रोली, क्या आप कर रही है, उठ।
मम्मी पे बिना मतलब के गुस्सा करोगे तुम दोनों तो ऐसा ही होगा। और अब तुम दोनों मम्मा पे भी गुस्सा करोगे, फिर तो सीता सेना कमजोर हो जाएगी ना, मम्मा क्या करेगी। लाओ। मैंने समझाया ना तुम दोनों को कि तुम लोग को समायरा आंटी के लिए नहीं, पापा के लिए करना है बेटा। अब दोनों मुझे प्रॉमिस करो, जब गेस्ट आएंगे तो अच्छे से बिहेव करोगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस, प्रॉमिस। मेरे अच्छे बच्चे। नहीं वाला भी। चलो चावल भी तैयार हो गए, पापा के गेस्ट आते होंगे, अच्छे बच्चे की तरह बाहर आ जाना। ओके। कोचलू मैंने ऐसे प्रॉमिस किया। मैंने भी, देख मतलब मम्मा से हम दोनों ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। तुम्हारी घरवाली तो बड़ी खुश रहती होगी तुम्हारे साथ। वैसे बताया नहीं तुमने उसके बारे में, मुझे भी पूछने का मौका नहीं मिला। वैसे करती क्या है वो? वो मैं प्लीज एक्सक्यूज मी। इसको क्या हुआ? मम्मा भगवान जी के पास गई ना दादी जी, और पापा को उनके बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। मैंने मम्मा का चेहरा भी नहीं देखा। कोई बात नहीं बच्चे, पापा को भी थोड़ी देर अकेले रहने देते, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ कमरे में, मैं अभी फ्रेश होती हूँ और उसके बाद हम इकट्ठा नाश्ता करेंगे। जब भी कोई तुम्हारी बात छेड़ता है मेरे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। एक औरत इतनी मतलबी और पत्थर दिल कैसे हो सकती है? वेलकम मिस्टर राजाध्यक्ष। प्लीज मैम, रंगोली बड़ी सुंदर है, किसने बनाई? जी मैंने बनाई है। अच्छा, आई एम ग्लैड आपको पसंद आई। बहुत सुंदर है। मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है सर। ऑफ कोर्स। प्लीज कम इन, आइए। तोरण से रंगोली से सजे हुए घर मुझे यूएस में बहुत याद आते हैं। आजकल तो यहाँ भी सब मॉडर्न हो गए, ये सब कहाँ देखने मिलता है। आपके घर में ये सजावट देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तोरण और रंगोली से घर का एंट्रेंस बहुत कलरफुल हो जाता है, बस इसीलिए लगाती हूँ। सिर्फ रंग के कारण? तोरण और रंगोली का महत्व आप तो जानती होंगी। कुछ तुम बताया था शुभ्रा ने, सुना क्यों नहीं मैंने? दरवाजे पे लगा तोरण माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है, और रंगोली के रंगों से हमारे जीवन में सुख शांति और सौभाग्य आते हैं। जी। वाह, गुड टू नो। ऋषि, रोली, बेटा बाहर आओ। देवा, प्रॉमिस किया है बच्चों ने, गड़बड़ करनी तो नहीं चाहिए, संभाल लेना पापा। शुभ्रा ने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी, ये बच्चे कोई ना कोई शैतानी जरूर करेंगे। We can't lose this deal, चट्टा। आएंगे, आएंगे। रोली, ऋषि,
बेटा बाहर आओ, देखो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। और आप? सेकंड। मैं जानती थी मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। आहा, मराठी खाने की खुशबू। मिस्टर चड्डा, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, हमारा देश और हमारे देसी खाने जैसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दादा, जेवन तैयार करके मैंने सारी चक्कू छुरियां छुपा के रख दी है। छान किलास तू, तेरी वहिनी है ना? हाँ? वो चांद रानी के चक्कर में बैंक लूटने का प्लान बना रही है। बोल। हाँ? विठल, तू अपनी वहिनी से बोल दे, उसने अपनी वो सहेली के साथ जो डेंजरस प्लान बनाया ना, वो पूरा नहीं होने वाला है। हाँ वहिनी, विठल अपने दादा को कह दे कि वो मुझे ऐसे घर पे बंद करके नहीं रख सकते। विठल तू बोल दे उनको कि। अरे क्या बोलूं दादा, बोलने तो देते नहीं हो। आप ही बोलो। मधुरा, तेरा दिमाग सटिया गया है। बैंक लूट कर पूरी जिंदगी तू जेल में बिताएगी? मैंने सब सुन लिया था कल तुम्हारा। तू ये क्या छुपा रही है? बंदूक है, बंदूक है का? बंदूक? कौन सटिया गया है? हाँ? कौन सटिया गया है? छाता है, छाता। फिर वो सुब्रा की खड़ूस सास के साथ कल क्या बात कर रही थी तू? मेरी दोस्त को कुछ बोलना नहीं है, और वैसे भी आप हमारी बातें कान लगाकर सुन रहे थे ना, इसके लिए मजाक किया मैंने। और वैसे भी आपको तो अपने बेटे की चिंता नहीं है ना। चांदरानी बहन जी को देखो, शुभ्रा उसकी बहू है, उसकी खुशी के लिए, उसके बच्चों की खुशी के लिए कितनी भाग दौड़ कर रही है वो। चाबी दो। ये छाते को बंदूक, ये अप्रतिम। मिस्टर चड्डा, अगदी स्वादिष्ट भोजन बनावले। मराठी खाना बनाने में आप तो माहिर हैं। थैंक यू। झुनका पास कीजिए प्लीज। जुड़का वो नहीं, जुड़का ये है। मामा कुल। मामा कुल? She's so cool ना, इसलिए हम उनको कूल मम्मा बुलाते हैं। थैंक यू। So sorry, my bad. Phirki? Phirki? Phirki to chutti par hai. Shubhra? Juice gir gaya hai, aakar clean kar do.
तो अब मेहमान के सामने मुझे नौकर बनाना चाहती है समायरा। कोई बात नहीं, कुलदीप की तरक्की के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। शीजा मेड। वो मेड नहीं, हमारी मम्मा है। हमारी मम्मा को सर्वेंट मत बोलना, ओके? मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? आप जिन्हें मेड बता रही थी, बच्चे उन्हें मां कह रहे हैं, सच क्या है? दरअसल अंकल वो ना एक्चुअली हमारी मेन सर्वेंट फिरकी वो छुट्टी पर गई है, तो शुभ्रा यहां हेल्प के लिए आई है। मैं तो काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ। बचपन से शुभ्रा ने ही पाला है बच्चों को, एकदम माँ की तरह। तो ये बच्चे भी शुभ्रा को एकदम माँ की तरह ही ट्रीट करते हैं। और मैंने दोनों बच्चों को यही सिखाया है, अगर कोई आपकी केयर करता है ना, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। रोली ऋषि, सॉरी बेटा, जानती हूं मैं तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, पर हमें समायरा के इस रूप को पापा के सामने लाना है, जिससे उन्हें गलती का एहसास हो और वो हमारे साथ घर लौटने को राजी हो जाए। अजीब बात है, इस वक्त यूएस से कॉल। एक्सक्यूज मी, क्या जरूरत थी शुभ्रा को मेड बोलने की? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना बोला है, स्ट्रेस में थी, निकल गया मुंह से। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट अप। सॉरी, रुकिए जी। जिसने घंटों लगातार किचन में रहकर इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया हो, वो हमारे साथ बैठकर खाने का मजा ना ले तो बड़ी नाइंसाफी होगी। क्यों? चौंक गए आप लोग? नजर और कान पहने ना हो तो बिजनेसमैन दो दिन में दिवालिया हो जाए। ये खाना मिसेस चड्डा ने बनाया होता तो उनको कोथिंबीर वड़ी और झुणका के बीच का अंतर मालूम होता। दरअसल क्या है समायरा, इट्स ओके, वक्त ही नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूं। आइए ना, बैठिए हमारे साथ, साथ मिलकर खाना खाते हैं, प्लीज। जी।
Let's continue. Yeah. Yes. आपके हाथ का खाना खाकर मेरी माँ और दादी की याद आती है। वो भी खाने में किशमिश डालती थी और कहती थी जो पर्यंत जेवणात गोडवा नाही तो पर्यंत जेवणात आनंद नाही। हॉस्टेस बनकर मेरी जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही है शुभ्रा। दिल तो करता है अभी की अभी। रोली, मैं आ जल गया। क्या हुआ रोली? रोली चला क्या? क्या हुआ बेटा? एक चल पानी में डाल दे, हाँ। तभी ठीक हो जाएगा। ऋषि जल्दी से जाके बर्फ निकाल पापा को दे। अंदर चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। अब कैसे जल गया? कुछ यू गिव मी मिनट, मैं धोकर आती हूँ वरना दाग रह जाएगा। लेकिन जल्दी वापस आइएगा और मुझे बताइए कि मिसेस चड्डा का मुखौटा पहनकर अपने आप को कुलदीप और शुभ्रा के बच्चों की माँ साबित करने की वजह क्या है।